बाद भारतीय किसान यूनियन की मीटिंग हुई और मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि सरकार से मांग की गई कि गन्ने का जो रेट है वो 400 रुपये प्रति क्विंटल हो, क्योंकि गन्ने के ऊपर जो लेबर लग रही है, मजदूरी लग रही है, वो काफ़ी बढ़ गई है। और सरकार ने पिछले 5 सालों में, खट्टर सरकार ने पिछले 5 सालों में मात्र 30 रुपये गन्ने का रेट बढ़ाया है। और इस बार नई सरकार बनी है तो सरकार से उम्मीद थी कि सरकार गन्ने का रेट बढ़ाएगी। पहली कलम जब सरकार की उठेगी तो वो किसानों के लिए उठेगी, लेकिन जब सरकार की पहली कलम उठी तो उन्होंने अपने भत्ते, उन्होंने अपनी पेंशन, इनको बढ़ाने के लिए काम किया। तो हमारी मांग है कि किसान का गन्ने का रेट 400 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाए, और जो मिलों में बकाया पड़ा है किसानों का पिछले 2 साल से 3 साल से, जिसको किसान यूनियन लगातार निरंतर संघर्ष कर रही है, उनका वो जो बकाया है वो विद ब्याज किसानों को दिया जाए। और अगर किसानों की इस मांग पर सरकार ने गंभीरता से विचार नहीं किया तो आने वाले दिनों में सुपर मिलों के आगे धरने दिए जाएंगे, सुपर मिलों का घेराव किया जाएगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो किसान गन्ने की छुलाई बंद करके मिलों का बहिष्कार करेगा। और जब तक सरकार गन्ने के रेट पर गंभीरता से विचार नहीं करती बढ़ाने के लिए, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी बात, सरकार ने अभी धान घोटाला हुआ है पूरे प्रदेश में, इसकी पीवी करवाने के लिए, फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने के लिए टीमें गठित की थी, तो सभी टीमें राइस मिलरों में पीवी करने के बाद राइस मिलरों से बाहर निकलने से पहले इस बात का दावा कर रही है कि सब कुछ दुरुस्त है, सब कुछ ठीक है। तो इससे ये लगता है कि सरकार की एक सोची समझी साजिश के तहत, एक सोचे समझे प्लान के तहत सरकार उनको क्लीन चिट देने का काम कर रही है। अब आज के पेपर में पढ़ा है कि सरकार दोबारा पीवी करवाएगी, तो हम मांग करते हैं सरकार से कि जो खरीद एजेंसियाँ हैं, जो मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं, जो राइस मिलर हैं, वो लोकल ना होकर बाहर की एजेंसियों से इसकी जांच करवाई जाए, और जांच करवाने के बाद जो भी दोषी हों उस पर मुकदमे दर्ज करवाए जाए। तीसरी बात, जो सरकार ने पराली के लिए जुर्माने किए हैं, किसानों पर मुकदमे दर्ज किए हैं, हम मांग करते हैं समय रहते सरकार इस बात को सोच ले कि किसानों को तंग करना बंद कर दे, अन्यथा